जाओ, कहाँ भागे जा रहे हो, रुक जाओ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोग ऐसे जिंदगी में कहीं ना कहीं भागते रहते हैं। चलो, आज इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप जीवन में भागना बंद कर दो, तो मैं आपको उत्तम प्रदेश के उस राज्य में लेकर के चलता हूँ। देखो, ख्यालों में बना लो, सोच लो फिर, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है, आपको पसंद जरूर आएगी। लेकिन आजकल के समय में ना सभी लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं और सारे के सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन पैसे के लिए पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली उनको सुख चाहिए, और सुख कब मिलेगा? सुख उनको जब मिलेगा जब उनको ज्ञान हो जाएगा कि भाई हाँ, यहाँ सुख है और यहाँ दुख है। लेकिन उनको पूरी इस चीज़ की परख नहीं है कि सुख कहाँ है। उनको लगता है, ऐसा लगता है कि पैसे में ही ज़्यादा सुख है, लेकिन ऐसा नहीं। ये कहानी तो इस बात बारे में नहीं बताती कि भाई पैसों में ही पूरा सुख है। हाँ, क्षणिक सुख है, आप संसाधन जुटा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए कर सकते हो। लेकिन ये कहानी अगर आपने सुनी तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हाँ। तो बहुत समय पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में, आपको लेकर के चलते, एक उत्तर प्रदेश में एक राजा हुआ करता था। वो बेचारा इतना दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था, और अपने पूरे राज्य के अंदर ढिंढोरा पिटवा दिया। यानी कि मैं अपनी भाषा में कहूँ तो पूरे गाँव में रोड़ा पिटवा दिया। क्या रोड़ा पिटवा दिया? कि भाई मैं दुखी हूँ, मुझे सुख नहीं है। और अपने मंत्रियों को आदेश दे दिया, अगर मंत्रियों तुम मेरे लिए मेरी बीमारी का इलाज अगर तुमने नहीं निकाला, मैं तुम्हें बर्खास्त कर दूंगा, तुम्हारे नौकरी से तुमको निकाल दूंगा। ऐसा कभी होता है? लेकिन राजा बड़ा ही दुखी था, तो उसके मंत्री बड़े चिंतित हो गए। वो चिंतित होकर के अपने राज्य में जा करके पहुँचे, और एक बहुत ही बड़े उस समय के विद्वान पंडित के पास पहुँचे। और विद्वान पंडित ने जब राज्य में आए तो उसने कहा कि राजा ने एक उपाय है। उस राजा ने बताया क्या उपाय है। अब उत्सुकता तो इतनी थी ना, उन्होंने बताया क्या उपाय है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, अगर आप अपने राज्य में से ना, या फिर कहीं से भी किसी सुखी व्यक्ति की कमीज ले लो ना, मतलब सुख का कमीज का क्या रिलेशन, अगर किसी सुखी व्यक्ति की कमीज ले लो तो आप सुखी हो सकते हो। तो राजा ने क्या काम किया, अरे चलो अपने राज्य के अंदर से एक सुखी व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। और उन्होंने सुखी व्यक्ति के चक्कर में क्या किया, पूरे राज्य के अंदर पूरी सेना लगा दी। और भाई क्या हुआ, पूरे राज्य के अंदर उनके सैनिक डोलते गए, पूरे राज्य में किसी भी सैनिक को, उनके मंत्री को कोई सुखी आदमी नहीं मिला। लेकिन इस सुख की खोज में वो बीच बीच में बहुत सारे ऐसे लोगों के पास भी गए थे जो बड़े ही अमीर थे, जिनके पास भंडार भरे पड़े थे, उद्योग जिनके चलते थे। तो उस समय वो सबसे पहले किसी व्यापारी के पास पहुँचे जिसका तेल पूरे घरों में जाता था। उस घरों में उनका तेल इतना जाता था कि पूरा, मतलब ज़्यादातर सामान वहीं से तेल का आता था। तो उनसे जाके पूछा कि उन्होंने, उनके मंत्री ने, मुझे आपकी कमीज चाहिए। तो उसने कहा कि कमीज का क्या करोगे, मेरे पास तो सामान है, आप सामान चाहिए तो सामान ले लो। उन्होंने कहा हमको तो कमीज चाहिए। तो कमीज का क्या करोगे, क्या आप सुखी हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ। लेकिन आप सुखी क्यों नहीं हो, आपके पास तो खूब इतना सारा पैसा है, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन आप फिर भी सुखी नहीं हो। मैं कब, तो उसने पता क्या उत्तर दिया, मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, जब तक हर घर के अंदर मेरा तेल का दीपक नहीं जलता तो मुझे कैसे चैन कर सकता। यानी कि उसके मन के अंदर अब भी इच्छा शेष थी कि मुझे सुख मिलेगा तो बाहर के संसाधनों से। अब वो वहाँ से निराश होकर के चले गए, फिर अगले व्यक्ति के पास, उस समय के सबसे बड़े एक्टर के पास पहुँचे। और वो एक्टर तो पता ही है सबको, एक्टिंग करने का शौक ही होता है, एक्टिंग में लगा हुआ था। तो उसने कहा कि क्या आप सुखी हो, एक्टर के पास पहुँचे। उन्होंने कहा सुखी क्या करना है आपको, मतलब वो थोड़े स्टाइल में ऐसे बोला कि सुखी क्या करना है आपको, मुझे आपकी कमीज चाहिए। हाँ, मेरे पास सैकड़ों कमीज है, आप चाहे तो एक आध ले जा सकते हो, मेरे पास, मैं तो रोज़ नई नई बदलता हूँ, नई नई पहनता हूँ, पुरानी बदलता हूँ, नई पहनता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे एक कमीज चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप सुखी हो, नहीं मैं सुखी नहीं। उसने भी मना कर दिया, बता इतना बड़ा एक्टर, उस समय का वो भी सुखी नहीं। वो कहने लगा तुम सुखी क्यों नहीं है? उसने कहा कि जब तक मैं हर दिलों के अंदर राज ना कर लूँ ना, मैं हर एक बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर लोगों के दिल के अंदर अपनी जगह बनाना चाहता हूँ, जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हो जाएगा मैं चैन से कैसे जी सकूँगा। तो वहाँ से भी चल दिया। अब ऐसे ऐसे करके वो बहुत बड़े सिंगर के पास गया, बहुत बड़े साहूकार के पास गया, उसने पूरे गांव के अंदर ऐसे ढिंढोरा सा पीटा। अब एक खिलाड़ी के पास पहुंचा। अब खिलाड़ी तो खेल में व्यस्त होते, खिलाड़ी ने भी यही जवाब दिया, उसके बाद मैं सुखी कह सकता हूँ। तो मतलब बहुत सारे लोगों में, वो राजा के पास वापस लौटा और राजा को मना कर दिया। अब राजा बड़े ही गुस्से में थे, लेकिन वो कहने लगे कि राजन, आपके पास इतने सारे खेल खिलौने, नचाइए गवाइए, मतलब इतनी सारी चीज़ें, फिर भी आप सुखी क्यों नहीं हो? तो राजा ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सुखी महसूस नहीं कर रहा, कोई ना कोई तो कारण होगा, मुझे सुख चाहिए। अगर मुझे सुख नहीं मिला तो मैं, मतलब कुछ ऐसा कार्य करूँगा राज्य के अंदर जो ना करने का हो। तो मंत्री बड़े ही चिंतित होकर, मंत्री अपने सैनिकों के साथ फिर निकल गया, और वो फिर अपने राज्य के अंदर ऐसे घूमने लगे जैसे कि हम यहाँ जंगल में घूम रहे। तो वो
घूमते 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 अब उनके बेचारे सैनिक बड़े बड़े भाले ले रखे उन्होंने हाथ में, अब इतने बड़े बड़े भाले और ले करके चल पड़े। अब भाई इतने दुखी हो गए, रात सुबह निकलते शाम को पढ़ते, सुबह निकलते शाम को पढ़ते, सुबह निकलते शाम को पढ़ते, कहीं जा करके बैठ गए कुएं के पास में। अब जब इतने घूमेंगे तो प्यास तो लगेगी, अब उनको बड़ी ज़बरदस्त प्यास लग रही थी, तो पानी पीने के लिए बैठे वहाँ लोग, पानी भी था सब, मतलब सब कुछ था, वहाँ जा करके बैठ गए जैसे हम विश्राम में बैठे हुए। तो पानी पीत करके ऐसे लोटा ले रखा था उन्होंने, तो ऐसे लोटा लिया और पानी की ऐसे पानी नीचे टपक रहा था, तो उनकी नज़र पड़ी वहाँ पे कोई दूर पे कोई बैठा हुआ था, उन्होंने हेलो भाई कैसे हो, क्या आप सुखी हो, ऐसे ही पूछ लिया सुखी हो। उसने कहा कि ना मैं भी सुखी नहीं हूँ। ऐसे कर करके उनको बहुत समय बीता गया, बहुत समय बीत गया। एक दिन और क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही कहीं जा करके फिर दोबारा बैठ गए, फिर ऐसे प्यासे मर रहे थे, कहीं भूख लगी जा करके कहीं ऐसी गरीब बस्ती में चले गए। आजकल तो वहाँ दुनिया भर के फ्लैट, दुनिया भर की चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन वो किसी गरीब बस्ती में चले गए, वहाँ पर जा करके ढूंढने लगे भाई क्या आप सुखी हो, क्या आप सुखी, कोई नहीं बताता। अब थके हारे बैठे खाना खाने लगे, मतलब खाना खाने के लिए बैठे और बैठ करके पूछने लगे। एक आदमी बैठा था ऐसे ही बेचारा, वो भी ऐसे जेवड़ी सी बट रहा था आज के समय में, जैसे हम पुराने समय में हमारे गांव में जेवड़ियाँ बटते थे, तो ऐसे ही वो जेवड़ी बट रहा था। तो उसको देखा, हेलो क्या आप सुखी हो, कहा हाँ मैं सुखी हूँ। ये बात सुन करके वो दोनों के दोनों सैनिक इतने चिल्ला पड़े अपना लोटा वोटा खाना वाना छोड़ करके तुरंत उसके पास पहुँच गए। जाकर क्या कहा आपने, सुखी हो, कहा भाई सुखी हूँ, बताओ क्या काम। अरे अरे उस मतलब हाथ जोड़ने लगे उसके, अरे अरे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हमारे राजा ने हमको आदेश दिया किसी सुखी व्यक्ति की कमीज लेकर के आओ, क्या आप कमीज पहनते हो। उसको देखा तो वो तो बिना कमीज के बैठा हुआ था, अब बिना कमीज के बैठा हुआ तो सो कहाँ से, अरे तुम्हारी कमीज कहाँ, उसको ऐसे पूछने तुम्हारी कमीज क्या, नुको मैं तो बिना कमीज के भी सुखी हूँ। वो तो सैनिक वापस चले गए। अब अपने राजा के पास वापस पहुँचे, पहुँचने के बाद राजा को बताया उन्होंने, तो राजा ने कहा कि ठीक है, लेकिन राजन एक बात है, वो आने से मना कर रहा है। अच्छा चलो तुम एक बार फिर जाओ। पूरी सेना को लेकर गया और उसका नाम था भूरा, उनको भूरा क्या आप हमारे साथ चलोगे, अन्नदाता ने आदेश दिया है आपको जो चाहिए वो देंगे, पर अन्नदाता को सुखी होने का रहस्य बताओ, सुखी होने की चीज़ बताओ। तो वो पहुँचे, पहुँच करके फिर वहाँ दोबारा पहुँचे, फिर मना कर दिया। अब राजा के मन में क्या हुआ, वो खुद गए पूरे दल बल के साथ, वहाँ राजा उनके पास खुद पहुँचे और कहा कि भूरा नाम था भूरा, क्या मुझे तुम सुखी होने का रहस्य बता सकते हो। तो भूरा ने कहा, महाराज तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी थोड़ी है, तुम्हारे पास ना ऑफर था, तुम्हारे पास तो सब चीज़ है, तुम कैसे ऐसे मतलब घूम रहे हो, चलो चलो तुम शायद मेरे कुछ साथ मजाक कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, चलो चलो यहाँ से जाओ फिर कभी आना। पता है एक सामान्य सेनागरिक ने राजा को धमका करके वापस भेज दिया, राजा कुछ नहीं बोला, राजा जा करके बड़ा चिंतित हो गया। फिर पहुँचा दोबारा, फिर पहुँचा बिल्कुल अकेले पहुँचा, पहले सैनिक लेकर के गया था अब अकेले पहुँचा। वहाँ जा करके पहुँचने के बाद भूरा ने देखा, अरे तुम फिर आ गए, भागोगे नहीं यहाँ से, उसको डांटा धमकाया, धमका करके राजा फिर निराश होकर के वापस आ गए। फिर एंड में क्या किया, राजा ने सोचा यार ये तो बात बनेगी नहीं, चलो क्या करते फिर दोबारा चलते। राजा ने क्या किया, उसी के जैसा भेष धारण कर लिया, अब भेष जैसा बना लिया बिल्कुल ऐसा भिखारी टाइप का भेष बना करके, कपड़े वपड़े कुछ भी उसके पास नहीं, और जा करके पहुँच गया उसके साथ। और जैसे भूरा बोला ऐसे उसको, मुझे तुम सुखी होने का रहस्य नहीं बताओगे जब तक मैं तुम्हारे पास से नहीं जाऊँगा। तो भूरा ने देखा, अरे राजन तुम क्या क्या करोगे जानने के लिए, इन चीज़ों को जानने के लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम कोई ढोंगी पाखंडी हो, ऐसा बोल करके भूरा ने काफ़ी देर तक उससे ऐसे धमका करके कहा, पर राजा नहीं माना, राजे को फिर वापस भेज दिया। फिर एंड में जा करके जब राजा ने कई बार कोशिश की, फिर एंड में जा करके जब राजा ने उसके पास पहुँचा, पहुंचने के बाद में राजा ने हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े होकर कहा, भूरा मुझे सुखी होने का रहस्य बताओ वरना मैं यहाँ से आज जाऊँगा ही नहीं। तो भूरा ने कहा ठीक है बता देता हूँ। उसने मजाक में कहा ठीक है तुम मेरी कमर खुजा सकते हो, अब कमर कर सबका क्या लेना। तो उसने कहा कि हाँ मालिक, बता। राजा उसको मालिक कह रहा है किसके चक्कर में, सुख के चक्कर में, यही है आजकल सुखार्था सर्वभूताना मतः सर्वप्रवृत्तिया, सारे के सारे लोग संसार में सुख की तरफ भागते हैं, यानी कि हम भी सुख की तरफ ही गति कर रहे हैं, कोई भी जीव कोई भी प्राणी सुख के अलावा कहीं नहीं भागता। फिर उसने कहा कि राजन ठीक है उसने कहा कि ठीक है मैं चलो तुम्हें सुखी होने का रहस्य बताता हूँ, सुनो ध्यान से कि राजन ये जो तुम सुख की खोज कर रहे हो ना, इसको पहले बाहर खोजना बंद कर दो, क्योंकि सुख तुम्हारे भीतर है बाहर नहीं। तुम जीवन भर सुख के लिए अपने नौकर चाकर परिवार संबंधियों पर डिपेंड रहे हो, निर्भर रहे हो,
जिस दिन उस सुख को तुम अपने भीतर महसूस कर लोगे ना, तो बाहर के जितने भी आलंबन तुम्हें सुखी नहीं कर सकते, अंततः तुम्हें सुखी नहीं कर सकते। तो राजा बोला, लेकिन भूरा ऐसा तो होता नहीं है, सुख के लिए तो ये मन हमारा हमेशा बाहर की तरफ भागता है। तो भूरा कहता है कि हाँ, ये जब तक बाहर की तरफ भागता रहता है, जब तक आप इसको अपनी तरह ट्रेंड नहीं करोगे, इसको समझाओगे नहीं, इसको बुझाओगे नहीं, लेकिन एक दिन आपने इसके ऊपर अपनी पकड़ बना ली तो ये बाहर भागना भी बंद कर देगा। जिस दिन संसार के अंदर आपने दुख देखना शुरू कर दिया, सुख देखना शुरू कर लिया ना अपने भीतर, तो बाहर संसार में भागना बंद कर दोगे। लेकिन कैसे उस सुख को कैसे प्राप्त किया? लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको यम नियम आसन प्राणायाम योग की साधना करनी पड़ती है, योग को अपनाना पड़ता है, धर्म के मार्ग पर चलना पड़ता है, तब अपने उस भीतर बैठे उस सुख को तुम प्राप्त कर पाओगे। इसलिए राजन, बाहर नहीं भीतर खोजो, क्योंकि सुख बाहर नहीं भीतर है। ये जो संसार है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इस प्रकृति से बना हुआ है, और ये संसार बिल्कुल अनित्य है। ये आज है, कल को ये नहीं रहेगा। ये तुम्हारा शरीर भी आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन जो सुख है वह तुम्हें तत्वमसि, वह सुख तुम ही हो, जिसकी तुम इस पूरे संसार में खोज करते हुए फिरते हो। इसलिए अपने को जानो, यानी कि स्वयं को पहचानो, और उस सुख को बाहर की बजाय भीतर खोजने की कोशिश करो। ऐसी बहुत सारी बातें उनके बीच में चली, और अंततः राजा वहाँ से संतुष्ट होकर के लौटा और अपने राज्य के अंदर बैठा। तो फिर जाकर के उसने निडर हो, हाँ राजा को आज सुखी महसूस हो रहा, क्योंकि उसने सोच लिया था कि पूरे राज्य में सुख बाहर मिलेगा, लेकिन सुख तो भीतर होता है। ऐसे ही वास्तव में रियल बात थी, सुख अपने भीतर ही होता है। अगर हमको इन चीज़ों को जानना है तो योग यम नियम योग का हमको रास्ता अपनाना चाहिए, और अंततः आप भी सुखी हो जाओगे एक योगियों की तरह। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।